एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमेशा आते हैं उनको थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और बाकी सब लोगों की किडनैपिंग होती है और उन लोगों को लग रहा है कि उन्हें किसी एक स्ट्रेंजर ग्रुप ने किडनैप किया है। वो लोग ये नहीं जानते कि ये किडनैपिंग भी वांग जी का ही प्लान थी। वहीं वांग जी विंग से मिल चुका है और विंग उस हैंडसम अल्फा की हैंडसमनेस में ऑलमोस्ट गुम ही हो गया था, और उसे ये पता चलता है कि ये हैंडसम अल्फा अब शिचेंगा का भाई है। अब आगे विंग इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट फील कर रही है, एक एक सेकेंड इस रूम में उसे बहुत भारी दिख रहा है। वांग जी का अल्फा फॉर्मेंस स्ट्रांग है जो विंग फील कर सकता है। विंग को वैसे ये फॉर्मेंस बहुत जाने पहचाने से भी लग रहे हैं, लेकिन अभी उसका दिमाग सही स्टेज में नहीं है। उसके लिए तो एक हैंडसम एक हॉट अल्फा उसके सामने है और उसकी बॉडी इस समय उसके कंट्रोल से बाहर जाने वाले मूड में है। वो बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए वांग जी से बातें कर रहे हैं। वो फिर वांग जी शिचेंगा का भाई है जान के थोड़ा मन में खुश भी है, क्योंकि उसे पता है कि शिचेंगा अच्छे इंसान है तो उनका ब्रदर भी अच्छा होगा। अब वो घबराते हुए बोलते हैं तो तुम मेरे रूम में और हम लोग इस रूम में क्या कर रहे हैं? विंग की आवाज़ बहुत लड़खड़ा रही है। वांगी समझ रहा है कि अब उसकी बॉडी पे उस हीट का असर, उस फेक हीट का असर होना शुरू हो चुका है। वांगी भी अब अपने चेहरे को विंग के बिल्कुल पास लाके सामने बैठते हुए बोलते हैं, मैं अपने ब्रदर को ढूंढते हुए आया था। मेरे ब्रदर का फ़ोन काफ़ी टाइम से नहीं लग रहा था, मैं यहाँ उनसे मिलने आया था, पर जब वो यहाँ पर आए हैं कैंपिंग के लिए ये जानने के बाद मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा मेरे ब्रदर वहाँ नहीं है, बल्कि सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। मैं ढूंढते हुए इधर उधर उन्हें ढूंढ रहा था, तभी दो लोग मुझे उन्हें पता है मेरे ब्रदर कहाँ है ये बोल के मुझे यहाँ ले आए, और उसके बाद मुझे अजीब सा इंजेक्शन देके इस रूम में बंद कर दिया। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। क्या तुम मेरे ब्रदर को जानते हो? वांगी बड़ा कंसर्न शो करता हुआ फेस पे विंग से बोलता है। विंग इसकी हालत अब बुरी हो रही है और उसे अब सब कुछ ब्लर ब्लर सा ही दिख रहा है। वो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, वो शायद किसी रूम में बंद है, इसी होटल के किसी रूम में बंद है मेरे ब्रदर और मेरे फ्रेंड्स के साथ में। पर तुम विंग की हालत बुरी देख देखे अचानक से वांगी बिल्कुल उसके पास आके बड़े केयरलेस से उसकी तरफ देखता है और उसे टच करते हुए बोलता है, मतलब उसके कंधे को टच करते बोलता है, तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। हाँ, इन लोगों ने शायद मुझे फेक हीट की मेडिसिन दी है, मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है, शायद मैं हीट में आने वाला हूँ। प्लीज़ तुम उससे थोड़ा दूर रहो, मेरे लिए तुम्हारे अल्फा सेंट्स मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहो। वांगी भी विंग से एकदम से दूर होके उस डोर की तरफ जाके ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करने लगता है। कौन हो तुम? प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरे ब्रदर से मिलना है। कौन हो तुम? ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के वांगी डोर को नॉक करने लगता है। ये देखकर विंग समझ रहा है कि शायद ये पर्सन भी विंग की तरह इस जगह फंस गया है। शायद जितना मुश्किल विंग के लिए इस समय विंग की स्मेल को मतलब वांगजी की स्मेल को इनहेल करना मुश्किल है, शायद इस पर्सन को भी फेक रेड के इंजेक्शन लगाए जाए गए होंगे, जैसे कि उसके सामने शुयांग और एलान शिचेन को लगाए गए थे। वैसे विंग भी सोच रहे हैं कि पर्सन शायद जेन्युइनली कोई अच्छा इंसान है, वैसे भी लान शिचेन भी तो अच्छे हैं तो उनका ब्रदर भी अच्छा ही होगा, विंग यही सोच रहे हैं। वांगजी अब दोबारा विंग किस तरफ देखते हैं अपनी साइड नज़रों से, वो देखना चाहता है विंग की क्या हालत है। विंग की हालत अब बुरी होती जा रही है। विंग अब ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा है और धीरे धीरे अपनी बॉडी से कपड़े रिमूव करने लगा है। विंग जब ऐसा करता है तो वांगी दौड़ के उसके पास आता है और तुरंत बोलता है, तुम ऐसे मत करो, उन लोगों को सब कुछ मिल जाएगा जो चाह रहे हैं, तुम अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो, मैं कुछ बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। पर विंग की हालत अब मुश्किल होती जा रही है। विंग तुरंत वांगी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। बेचारा विंग अपनी सांस जोर जोर से सांसें लेके वांगी से बोल रहा है। वांगी विंग के ये कंसर्न करते थे, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। वांगी इधर उधर घूमता है, वो जान गुस्से में उस कैमरे को भी तोड़ देता है जो स्टैंड पे था। वैसे तो कैमरा ऑन ही नहीं था, पर वांगी ऐसा शो कर रहा है विंग को कि विंग वो नहीं चाहता कि विंग के साथ कुछ गलत हो। नहीं, विंग ये देख के मैं इस
लिया अल्फा की तरफ पहली नज़र में ही अट्रैक्टेशन जो फील कर रहा था। और अब तो इस अल्फा की स्मेल, ये केयर, अल्फा का ये स्ट्रगल विंग को बाहर निकालने की कोशिश करना विंग को और ज़्यादा इस अल्फा पे ट्रस्ट करने पे मजबूर कर रहा है। उसकी हालत शायद इसी तरह की है कि इस समय वांगजी की ये छोटी सी केयर या वांगजी का विंग को अभी टच ना करना विंग को बहुत ज़्यादा मतलब विंग के वांगजी के प्रति अट्रैक्शन फील करवा रहा है। विंग ऑलमोस्ट अपनी अपर बॉडी से पूरा न्यूड है। वहीं विंग के ऐसी हालत देख के वांगजी की भी हालत उसे में उस विंग को टच करने की ओर है। विंग के वो से स्वीट स्वीट से रोज प्लस लोटस के मिक्स जो स्मेल है वो उस वांगजी की नोज में आ रही है। और वांगजी के लिए भी विंग से इस समय अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो तो वैसे भी विंग को कब से अपना बनाने की ड्रीम देखता है, उसे टच करने के ड्रीम देखता है, लेकिन वो विंग के इस तरीके से अभी कुछ नहीं करना चाहता। वो चाहता है विंग खुद उसे ये सब करने के लिए इनवाइट करे। वहीं विंग की हालत भी बहुत बुरी हो रही है। अब विंग धीरे से अपने हाथ को खुद अपने पैंट के अंदर इंसर्ट कर देता है। उसका लोअर पार्ट अब हार्ड हो रहा है। इतना ही नहीं, उसके लोअर पार्ट में अब उसे बहुत ज़्यादा वेट भी फील हो रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि शायद हीट का असर अब पूरी तरह से उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर चुका है। वो अब अपने आप को खुद सेटिस्फाई करने लगता है। वहीं ये हालत देख के वांगजी का सामने खड़े होकर इंटेंस नज़रों से विंग को देख रहा है। अपनी ओमेगा को इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता देख के वांगजी के अंदर का अल्फा तो ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर है। उसका मन तो कर रहा है कि वो अभी वांगजी पे अटैक कर दे, वो अभी विंग की पूरी बॉडी को अपना मार्क कर ले। विंग की इस बॉडी को अपने अंदर अपने नीचे इमेजिन करना शुरू कर चुका है वांगजी, लेकिन वो अभी ये जैसा चाहता है वो चाहता है विंग खुद उसे बुलाए। और सचमुच में अब विंग के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है। वांगजी जब देखता है कि विंग थोड़ी नज़र खोल के उसकी तरफ देख रहा है तो वो अपना नज़र घुमा के अपनी पीठ विंग की तरफ करके उधर की तरफ खड़ा हो जाता है। और अब वो भी ऐसे नाटक करने लगा है कि जैसे उसके लिए यहाँ ये सब कुछ बहुत हार्ड है, जैसे सच्चाई में ये वांगजी के लिए बहुत हार्ड हो रहा है। वांगजी की भी सांसें अब हार्ड हो चुकी हैं। वांगजी की भी सांसों में अब विंग की स्मेल जो मिक्स हो गई है उसे ऑलमोस्ट रट वाली स्टेज पे तो लेके ही आ गई है। अब वो रियल में रट वाले उस पर आ गया है। वांगजी की अब उस स्मेल में चेंज महसूस कर रहे हैं कि शायद वांगजी भी उसी की तरह हॉट फील कर रहे हैं। अविंग जो अब पूरी तरह से इस हीट में है और उसकी बॉडी एक अल्फा की क्रेविंग कर रही है, वो धीरे से अल्फा करके वांगजी को बुलाता है। वांगजी उसकी तरफ देखता है। अब वो इशारे में अपनी हाथों से विंग को अपनी तरफ उंगली इशारे से बुलाता है। वहीं विंग भी के इशारे के बाद वांगजी भी धीरे धीरे कदमों से विंग की तरफ बढ़ रहा है। विंग इस समय बेड पे है, पूरी तरह से न्यूड है और अपने आप को एक हाथ से प्रिपेयर कर रहा है और दूसरे हाथ से वांगजी को बुला रहा है। वांगजी अब विंग के बिल्कुल पास आ गया और धीरे से बोलते हैं, मैं तुम्हें साथ। तो विंग बोलते हैं, आई नीड यू अल्फा, आई एम नॉट इन अ गुड पोजिशन, कैन यू हेल्प मी। अब वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं ये सही नहीं होगा। इस पर विंग बिना कोई टाइम लगाए वांगजी को उसके कॉलर से बहुत जोर से खींचता है और पैशनेटली किस करने लगता है। विंग का ये स्टेप वांगजी के लिए बहुत हार्ड है, इसलिए वांगजी भी उतनी ही पैशन से विंग को किस बैक करने लगता है और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से पागलों की तरह केस कर रहे हैं। विंग की हालत उसके हीट ने पागलपन में ऐसी बना दिया कि उसे बस इस समय इसके अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा है। लेकिन वांगजी अपने रट के आने के बावजूद भी पूरे होश में है। उसके लिए विंग के ये केस जैसे उसकी बरसों की प्यास मिटाने का एक दरिया है। जैसे वो कब से प्यासा था और ये पानी है जो विंग के लिप्स उसे पिला रहे हैं। ना चाहते हुए भी वांगजी बहुत ज़ोर ज़ोर से पैशनली विंग को किस करने लगता है। वो हल्का सा अब विंग को सांस लेने का मौका देता है, उससे थोड़ा सा दूर होता है। अपना माता और विंग का माता एक दूसरे से टच करते हैं और धीरे से बोलते हैं, अगर मैं और तुम ये सब करेंगे, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें ना अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। विंग ये बात सुनने के बाद इस सिचुएशन में भी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखने लगता है। विंग की सिल्वर आइस और वांगजी की ये गोल्डन आइस जब एक दूसरे से मिल रही हैं तो जैसे कि इन दोनों की सोल को ही फील कर पा रही हैं। विंग तुरंत बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम्हें ना अल्फा बनाने में। और ये बोलने के बाद भी पैशनेटली वांगी को किस करने लगता है। नहीं, वांगी भी अब बिना मौका गवाए विंग को उतने ही पैशन से किस करने लगे हैं। जहाँ एक तरफ वांगी विंग को किस कर रहा है, तो वहीं विंग वांगी की बॉडी से उस टी शर्ट को रिमूव करने के स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें वांगजी अब उसकी हेल्प करके खुद अपने सारे कपड़े रिमूव कर देते हैं। वांगजी और विंग अब पूरी तरह से हीट और रट में आ चुके हैं। वांगजी विंग की नेक पे, उसके निपल्स को, उसकी टमी को हर जगह अब किस और एक तरह से बाइट कर रहे हैं। वहीं वांगजी के ये केसेस विंग को ऑलमोस्ट पागल बना रहे हैं। विंग ने जब वांगजी के मतलब विंग ने जब वांगजी को परमिशन दे दी थी, तो उसके मन में कभी आए मतलब जब उसने परमिशन दी थी वो एक कहने के लिए हीट में था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कहीं से भी वांगजी का ये केसेस और बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही हैं। उसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। वांगजी जब उसके निपल्स को सक कर रहा है, तो उसके मुँह से नॉन स्टॉप मौन निकल रहे हैं। उसके मुँह से सिर्फ अल्फा अल्फा ही निकल रहा है। वो नॉन स्टॉप अल्फा अल्फा करे जा रहा है। और वहीं वांगजी उसकी इस मौन को अपना फील कर रहा है। फिर विंग के साथ इंटीमेट होने से पहले ही वांगजी ने विंग की उस सैंडलैंड पे मार्क कर दिया है। हाँ, उसने सबसे पहला काम आज यही किया है। उसने विंग को अपना बाघ ओमेगा बना दिया है। उसने विंग के सैंडलैंड पे अब उसे मार्क कर दिया है, जिसे विंग को ऑलमोस्ट चीख निकल गई है, लेकिन उसे महसूस हो गया है कि अब उसका ओमेगा यानी वो किसी और का बन चुका है। ऐसी सिचुएशन में एक टोटल स्ट्रेंजर को उसने अपना अल्फा मान लिया है। शायद विंकिल ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि उसकी लाइफ, उसकी डेस्टिनी उसके साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन अभी उसे जो हो रहा है उसके हाथ कंट्रोल से बाहर लग रहा है। और वो जो उसके साथ हो रहा है उस चीज़ के कुछ नहीं कर सकता है। वहीं वांगजी अब विंग के साथ उससे प्रिपेयर करके ऑलमोस्ट इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। विंग के साथ जब वांगजी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो उसे पता था कि ये विंग का फर्स्ट टाइम है, तो पहला राउंड तो बहुत सॉफ्टली बहुत आराम से करता है। वो विंग को बिल्कुल भी पेन का फील नहीं देना चाहता था। और विंग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि अल्फा उसके साथ कितना सॉफ्ट था। लेकिन उसके बाद जब उन दोनों का फर्स्ट राउंड हो जाता है, तो वांगजी नेक्स्ट राउंड के लिए विंग के साथ उससे परमिशन लेते हैं। विंग को लग रहा है ये पर्सन कितना जेन्युइन है, कितना सॉफ्ट है, शायद इतनी बुरी हालत में है उसके बावजूद भी विंग के इतना वो कहते ना प्यार से हैंडल कर रहा है, इतने प्यार से उसके साथ सब कुछ कर रहा है। तो विंग को वैसे भी सल्फा पे बहुत प्यार आ जाता है। जैसे ही विंग और वांगजी दोबारा इंटीमेट होते हैं, तो वांगजी विंग को नॉटेड भी कर देता है, जो विंग के लिए उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन थी। विंग अब ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे है। शायद पूरा दिन वो लोगों ने हाइकिंग की थी, उसकी बॉडी उस वजह से भी टायर्ड थी, और इस फेक हीट के कारण शायद वो नॉटिंग के बाद वो मेडिसिन का असर ख़त्म हो गया या क्या रीज़न हुआ। लेकिन अब विंग पूरी तरह से नॉर्मल फील कर रहा है। उसकी बॉडी अब उतना पेन नहीं फील कर रही, उसकी मतलब उस बॉडी उतना ज़्यादा हीट फील नहीं कर रही है। इसी कारण वो अब थोड़ा रिलैक्स होकर आँख बंद करके सो जाता है। और जैसे ही विंग सोता है, तो वांगजी उसके सर पे किस करता है और उसे इस पोजीशन में अपनी बाहों में लेके उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही रखता है। मन में बहुत खुश है वांगजी, क्योंकि वांगजी का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। आज जैसा वांगजी ने सोचा था, उसके 18 बर्थडे पे वांगजी ने उसे अपना ओमेगा बना लिया। वांगजी ने विंग को अपना बना लिया। वांगजी इस चीज़ से बहुत खुश होता है। वो तो और बहुत कुछ करना चाहता था विंग के साथ, और बहुत सारे राउंड लेना चाहता था, लेकिन आज उसने बस अपने विंग को अपना बना लिया, उसे नोटेड कर दिया, उसे मार्क कर दिया, इतने जो उसके प्लान के अकॉर्डिंग काफ़ी था। वो विंग के साथ अपनी वो वाइल्ड फैंटेसी अब कभी बाद में पूरी करेगा। आज तो जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। वो विंग को बड़े प्यार से उठा के उसे बाथरूम में ले जाके पूरी तरह से क्लीन करता है। थोड़ी देर पहले जहाँ वांगजी इसी बाथरूम के डोर को लॉक्ड है ऐसे नाटक कर रहा था, अब वो एक मिनट में डोर खोल के उसने अच्छे से विंग को क्लीन करके लेके आके दोबारा सुला देते हैं। हाँ, वांगजी ने ये भी नाटक किया था कि कोई डोर नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग खुद को बाथरूम में लॉक कर ले और वो ये ना कर पाए, इसलिए उसने विंग के सामने ये नाटक किया था कि बाथरूम का डोर भी लॉक है। थोड़ी देर बाद वांगजी विंग को के कपड़े पहना के उसे ऐसे ही सोता हुआ छोड़ के अब चेंज करके आराम से उस डोर को खोल के बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है, तो देखता है कि उसके सारे लोग वहाँ पे हैं। आज काफ़ी टाइम बाद डेविल के चेहरे पे कोई गुस्से वाला एक्सप्रेशन नहीं है,
कोई एंगर लुक नहीं है, बल्कि कहने के लिए स्माइल भी नहीं है, लेकिन वो चेहरा एकदम नॉर्मल है। तो ये लोग भी थोड़ा से शौक है। वहीं सॉन्गलैंड और शाओशिंग चैन समझ चुके हैं वांग जी ने जो प्लान किया था वो सक्सेस हो गया। डेविल का आज तक कभी कोई प्लान फेल नहीं हुआ, तो ये प्लान कैसे फेल होता? ये तो उसकी बनी को उसका बनाने की बात थी, कैसे फेल हो सकता था? इसलिए वांग जी स्माइल के साथ वहाँ पे मतलब एक कहते ना खुशी के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं थोड़े टाइम बाद जिस सॉन्गलैंड और शाओशिंग चैन कुछ जब शुयांग के पास जाते हैं तो देखते हैं अब शुयांग को भी थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है। वो दोनों दौड़ के शुयांग के पास पहुंचते हैं, उसे थोड़ा पानी देते हैं। वहीं शुयांग गुस्से में उस पानी के ग्लास को फेंक देते हैं और घूर घूर के सॉन्गलैंड को देखने लगते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया मुझे बेहोश? क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि डेविल तुम्हें मार दे। तुम मेरे भाई हो, बचपन से मेरे साथ हो, मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता था? शुयांग गुस्से में और कुछ कहता सॉन्गलैंड से, उससे पहले ही शाओशिंग चैन उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते बोलता है, शुयांग तुम ऐसा कुछ मत करो जिसके कारण तुम डेविल की हिट लिस्ट में आ जाओ। तुम भूल गए हो क्या हम सब जो भी है आज सर्वाइव हैं, जिंदा हैं, तो सिर्फ डेविल की वजह से। और तुम डेविल की सबसे क्लोज चीज़ को, उसकी लाइफ के उस इम्पॉर्टेंट पर्सन को अपना ओमेगा बनाने की गलती कर रहे थे। शायद कोई महसूस करे या ना करे, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हमें पता चल गया है पिछले कुछ महीने से जिस तरीके से तुम विंग की रिपोर्टिंग हमें भेजते हो, मुझे समझ में आ गई थी कि तुम नहीं चाहते कि डेविल विंग के बारे में ज़्यादा कुछ जाने। पर तुम्हें पता है डेविल हर एक पल हर एक सेकंड विंग का बारे में जानता है, चाहे तुम कुछ बताओ या ना बताओ। वो विंग को अपना ओमेगा मानता है और आज तो शायद उसने विंग को अपना ओमेगा मार्क भी कर लिया होगा। नहीं, बेचारा शुयांग बहुत गुस्से में बहुत परेशानी में उन दोनों से दूर होके अपने बेड से एकदम से खड़ा हो जाता है और एकदम से होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो विंग को अपना नहीं बना सकता। विंग क्यों नहीं बना सकता वो विंग को अपना? वो विंग का ही उसका है। तुम ये समझो शुयांग, तुम सिर्फ और सिर्फ डेविल के कहने पे विंग के दोस्त बने थे। तुम सिर्फ और सिर्फ विंग के आसपास रह के विंग को गार्ड करने चाहते थे। तुम्हारा और विंग का इससे आगे कोई रिश्ता नहीं है। तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम और डेविल एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। तुम याद रखो, विंग हमेशा डेविल का था, डेविल का है और डेविल का ही रहेगा। तुम्हारा विंग पे कोई हक नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद शुयांग अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाता है, अपने दोनों फेस से अपना फेस दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सॉन्गलैंड और शाओशिंग चैन शुयांग की इस बुरी हालत को देख के मन में बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जो शुयांग सोच रहा है वो कभी नहीं हो सकता और अब तो शुयांग का कोई विंग पे हक भी नहीं रहेगा। शुयांग चाहे माने या ना माने, विंग हमेशा से लांगवांग जी का था और लांगवांग जी का ही रहेगा। इसलिए वो चाहे कुछ भी अपने मन में मतलब सोचे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांग जी थोड़े टाइम बाद अपने भाई को फ़ोन करता है और बताता है प्लान सक्सेस हो गया है। वहीं मतलब इंफॉर्मेशन लांशी चैन को पता चल जाती है, तो गाड़ी में वो देखता है पीछे नी हुसैन और वैनिंग बेहोश सो रहे हैं और साइड पे हमारे जंचा भी बेहोश सो रहा है। उन तीनों को बेहोशी वाला ही इंजेक्शन लगा था जिसका असर शायद अब हो चुका है। वहीं वांग जी मतलब हमारे शिचैन को कोई ऐसा असर नहीं था, उन्हें नॉर्मल एक विटामिन का इंजेक्शन लगा दिया था। वहीं अब वो इसी हाल इन तीनों को इसी हालत में जियांग मैंशन पर ले जाते हैं। जियांग मैंशन में मैडम यू जब इस तरीके से इन तीनों को एक किसी और की कार में किसी और के साथ देखती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। जियांग मैंशन के गार्ड, जियांग मैंशन के सर्वेंट सब लोग एक दौड़े दौड़े उस कार से इन तीनों को ले जाके मतलब एक दो इन बाकी दो को गेस्ट रूम में और जंचा को उसके रूम में लेटा देते हैं। अब लांशी चैन और मैडम यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मैडम यू घबराते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम और मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे थे तुम? कहाँ हैं इनके गार्ड और इनकी कार भी नहीं है, कहाँ से मिले हैं तुम्हें ये? और विंग कहाँ क्यों नहीं है तुम लोगों के साथ? क्या हुआ है मेरे बच्चों के साथ? मैडम यू की आवाज़ में कंसर्न साफ फील कर सकता है लांशी चैन, इसलिए वो भी मैम यू के सामने बैठते हुए थोड़ा घबराते हुए उन्हें बताते हैं, मैं इन लोगों से उस होटल में मिला था जहाँ पे ये लोग गए थे। हम लोग आज हाइकिंग वो था माउंटेन हाइकिंग पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों पे किसी कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था
और उसके बाद मैं इन तीनों को वहाँ से सेफ बचा के लिया। अभी शुयांग विंग को ढूंढ रहा है, उसी होटल में है, और मैं इन तीनों को यहाँ ले आया था। रास्ते में आते हुए मैंने डॉक्टर को इन्हें दिखाया है, इनके ऊपर शायद सिर्फ बेहोशी का ही इंजेक्शन लगा था इसलिए ये लोग बेहोश हैं। पर मेरे बच्चों के साथ ये सब, और विंग क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? अब लांशी चैन थोड़ा कंसर्न होते हुए, थोड़ा अपसेट होते हुए बोलते, मैं विंग इस समय जनशा को सेव करने में ज़्यादा बिजी था। सॉरी यार मिसेस जियांग, मैं क्या करता, मेरे लिए जनशा को सेफली उसके घर पहुंचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पर आप चिंता मत कीजिए, शुयांग विंग को जरूर ढूंढ के लाएगा, उसने मुझसे और जनशा से प्रॉमिस किया है। ये बात सुनने के बाद मैडम यू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मैडम यू कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, मैडम यू तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है। तो वो तुरंत अपने फ़ोन से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन कर देती है। उनमें से इस समय चाइना के सबसे मतलब एक हाई पोजीशन के पुलिस ऑफिसर उस जगह एंटर करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि नी मिंजे हैं। जी हाँ, नी मिंजे डेविल की टीम में हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अधिकतर नी मिंजे और डेविल की टीम के लोग अपना फेस कवर करके रखते हैं। नी मिंजे डेविल से मिले हुए हैं, ये बात बहुत मतलब किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि खुद वैन रोहान, जेन फेमिया और जिन रुशान को भी नहीं पता है। नी मिंजे वहाँ आते हैं और मैडम यू के सामने उनका कंसर्न शो करते हैं। मैडम यू विंग को ढूंढने का तुरंत ऑर्डर दे देती है। एक तरीके से चारों तरफ विंग को ढूंढने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सब लोग विंग को ढूंढने का नाटक, ये बोलो ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं या नाटक स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू लगातार जेन फेमिया को कॉल पे कॉल कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच है। उन्होंने तो उस असिस्टेंट की भी क्लास लगा दी कि कुछ भी करके वो जेन फेमिया से कॉन्टैक्ट करें, उन्हें बताए कि उनका लाडला बेटा, उनका प्यारा विंग गायब है और इस तरीके से इतनी खतरनाक गैंग ने उसे किडनैप किया है। कहीं विंग के साथ कुछ मिजरेबल ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो बाद में वो बहुत पछताए। लेकिन इस समय तो जेन फेमिया से दुनिया की कोई भी ताकत कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जेन फेमिया अभी भी उस होटल में है, कोरिया का वो बड़ा होटल जिसमें जेन फेमिया रुके हुए हैं। ली मिन हो अब तक इनसे मिले नहीं हैं। सच्चाई तो ये है, ली मिन हो भी वांग जी के साथ मिला हुआ है। वांग जी और ली मिन हो एक दूसरे से बहुत पहले मिल चुके हैं। ली मिन हो की निक को वांग जी ने ही बोला था कि वो इन लोगों को वहाँ एक तरीके से बिजी रखे, और अपने शायद कुछ दिन और ली मिन हो वह इन लोगों को वहाँ रोके रखेगा, जब तक वांग जी फुल फ्लैश विंग के साथ अपने प्लान के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर लेता। जैन फेमिया जब तक चाइना वापस आएंगे तो वांग जी और शायद जनशा दोनों और उनके ओमेगा बेटे उनके तब तक मैरिड हो चुके होंगे। शायद यही वांग जी का प्लान है, शायद लांगवांग जी के प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा हो भी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू की तो इस समय बहुत बुरी हालत है। मैडम यू तो पागलों की तरह हर जगह फ़ोन कर रही हैं, इधर उधर दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से विंग का पता चले। वहीं नी मिंजे और लान शिचैन भी मैडम यू को अपना झूठा कंसर्न पूरा शो कर रहे हैं। लान कुरैन भी अपनी कि वो एक बिजनेसमैन है, वो एक मेडिकल फील्ड में एक वो होता है ना होलसेल सप्लायर हैं, और वो बिजनेस को कर रहे हैं और इसी कारण वो अपने कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट में जानते हैं, तो वो उन्हें कॉल करके बता रहे हैं। एक तरीके से मैडम यू अब सोफे पर थक के बैठ गई है, अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। वहीं अब जनशा को होश आ जाता है। जनशा को जैसे ही होश आता है वो खुद को अपने रूम में देख के थोड़ा सेफ फील करता है, लेकिन उसके दिमाग में सबसे पहले अपने भाई का ही आता है। वो दौड़ा दौड़ा रूम से बाहर आता है तो देखता है पूरे घर में पुलिस आई हुई है, सामने उसकी मदर सोफे पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। जय शिचैन उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों के बिल्कुल अपोजिट सोफे पे एक हैंडसम सा बड़ा सा अल्फा पुलिस ऑफिसर बैठा है, जिसे शायद जनशा ने कई बार न्यूज़ में देखा है, जिनका नाम नी मिंजे है, लेकिन उन फर्स्ट टाइम उन्हें लाइव देख रहा है। वापस जनशा दौड़ा दौड़ा अपनी सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी मदर के पास भागा हुआ जाता है। मदर करता हुआ वहीं जनशा को खुश में इस तरह आके दौड़ते हुए अपनी साइड आते देखे, मैडम यू भी तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर जनशा को गले लगा लेती है और बड़े प्यार से कभी उसके फेस पे कभी उसके माथे पे बार बार किस करके तुम ठीक हो ना जनशा, ठीक हो ना आइन कर आचिन कर करके उसे किस कर रही है। अब जनशा अपनी मदर से दूर होता है, मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन विंग विंग ठीक नहीं है मदर, मदर वो हीट में आ गया था, उसे
उसे जबरदस्ती उठा के ले गए थे। मदर उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मदर हमारे विंग के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। ये बात सुनने के बाद मैडम यू, जो अब तक तो सिर्फ घबरा रही थी, अब तो उनके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। उन्हें घबराहट के मारे ऑलमोस्ट चक्कर ही आ जाते हैं। वो तो बेहोशों के पीछे गिरने ही वाली थी कि तुरंत जेंचा और लांची चैन उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें तुरंत उनके रूम तक ले जाया जाता है, डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैल विंकी धीरे धीरे से आँख खुलती है तो वो महसूस करता है कि अब उसकी बॉडी पे कपड़े हैं। वो महसूस करता है कि अब वो इस रूम में अकेला है। वहीं तुरंत अब विंक थोड़ा उठने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ आसपास में कोई नहीं है। विंक इस मौके का फ़ायदा उठा के तुरंत उस रूम से बाहर निकलने के लिए रूम का लॉक खोलता है तो देखता है कि लॉक अभी भी मतलब लॉक खुला हुआ है। और वो तुरंत उस रूम से बाहर निकल के लॉबी की तरफ देखता है तो देखता है लॉबी में कोई नहीं है। विंक को ये सही मौका लगता है यहाँ से बाहर भागने का। विंक तुरंत वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है तो तभी कुछ गार्ड उसे पीछे से चेस करने लगते हैं। विंक इसकी अभी बॉडी में काफ़ी पेन है अब क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था तो उसके बैक पेन हो रही है और उसे मतलब ऐसा नहीं है वो पूरा हीट से बाहर आ गया है तो मतलब वो फेक हीट थी तो हीट से बाहर आ गया है लेकिन वीकनेस तो उसे पूरी है बॉडी में। वो वहाँ से दौड़ लगाने लगता है। वही गार्ड उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। विंक उस होटल से बाहर निकल के बहुत ज़ोर ज़ोर से उस जंगल में दौड़ने लगता है और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है, विंक यहाँ से भाग जाएगा? लेकिन वांगजी कहाँ है? विंक ऐसे कैसे यहाँ से चला जाएगा? हमारे वांगजी कहाँ रह गए वो भी तो जानेंगे। और आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है ये भी जानेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा और क्या विंक और क्या अपने प्लान मतलब यहाँ से भाग के चला जाएगा या वांगजी अपने प्लान में सक्सेस होगा, प्लीज़ मुझे बताना। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये लास्ट फैन फिक्शन में एडल्ट सीन नहीं थे पर इस फैन फिक्शन में भर भर के एडल्ट सीन है। हम तो आई होप नेक्स्ट फैन मतलब आपको ये फैन जिन लोगों को लास्ट टाइम अगर कंप्लेंट होगी कि मेरे फैन फिक्शन में नहीं थे तो आई थिंक इस बार वो कंप्लेंट मैंने दूर कर दी है। थैंक यू।